जो ब्लॉग है ना, ये मैंने कोई बनाने का सोचा नहीं था, लेकिन मेरी बच्ची ने ये बड़े प्यारे कपकेक बनाए हैं, चॉकलेट कपकेक्स। ये बड़े ही मज़ेदार बने हैं, ये देखें, बड़े मज़ेदार बने हैं, रियली नाइस, प्रॉपर प्रोफेशनल वन। लेकिन उसे गलती पता क्या हो गई है, ये जो आइसिंग शुगर उसने समझी थी ना, ये इसने नॉर्मल शुगर डाल दी है। बेचारी पूछती रही थी, लेकिन हमारी गलती है कि हमसे ना, हमने उसको आके हेल्प नहीं की, तो अब वो जो आइसिंग शुगर बच गई थी ना, वो मैंने सारी उतरवाई है इसके कपकेक्स के ऊपर से। और इसके अंदर ये जो इसने बनाई हुई थी, पता नहीं कोई क्वांटिटी का मुझे पता नहीं है कि कितनी कितनी उसने शुगर डाली हुई थी, कितना वो सारा मक्खन डाला हुआ था। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ इसको, इसके अंदर मैंने बस दो अंडे डाल दिए हैं, मुझे कोई क्वांटिटी का नहीं पता, तो अपने हिसाब से मैं सोच रही हूँ जब मैं इसका केक बना लूँ। पहले शॉप से कुछ नहीं मिल रहा, तो हम इसको बिन में तो नहीं फेंक सकते, तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ ऑरेंज जूस। उप्स, लो, कुछ ना कुछ तो होना ही होता है, एक काम सवार हो तो दूसरा बिगड़ जाता है, ऐ ते हालात ने। एनीवे एने तो मैं धोवा, ये रख दो उधर, बेकिंग पाउडर दो जरा मुझे लीजा, ले मेरा बच्चा, दो उधर, अब ये ग्राम ग्रूम का तो मैंने पता कौन नहीं है कितना पाना है, विच स्केल स्कूल दे नाल ही मैं कर लगी, बस मैं इसको मैंने पान लगी हूँ अंदाजन जिन्ना, अगर और चाहिए आया तो और पा लवेंगे, पर फिलहाल हाँ जी ठीक है। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, गंद एवरीवेयर, दिस इज हाउ यू शुड बी कुकिंग। अच्छा, इसको मैंने अच्छी तरह से ग्रीस अंदर लगा ली है, गर्म कर लिया हुआ है, अब ये इसके अंदर चला जाएगा और इसको 30-40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। उतनी देर में ये बर्तन धो लेती हूँ, और ये मैंने फिश को भी मैरिनेट किया हुआ है, इसको भी मैं बेसन वाली फिश इसकी बनाने लगी हूँ, फ्राई करेंगे और इसको हम रोटियों के साथ खाएंगे आज। वन कप ले लो जी बेसन,
मेरे घर की रूटीन, कुकिंग 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 कुकिंग, सुबह से लेके दोपहर से लेके शाम तक कुकिंग कुकिंग कुकिंग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबके घरों में भी यही होता होगा, क्योंकि आप ही तो हैं पकाने वाले और बच्चे खाने वाले हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे और बच्चे खाते भी हैं माशाल्लाह, तो फिर आपको बनाना पड़ता है। तो फिश मेरी जो है वो मैंने ली भी है, मैं वेट कर रही हूँ उसका। एक तो बड़े मज़े से बन रहा है माशाल्लाह, फूल फल रहा है भाई। तो ऑरेंज केक नाइस, मैंने बनाया है। कोई इसके मेजरमेंट नहीं मैंने लिए, बस जो कुछ बचा कुचा था उसमें एक्स्ट्रा एडिशन करके चीजें, और वो मेरा केक बन जाएगा। और फिर मैं टेस्ट भी करूंगी इंशाल्लाह ताला, हो सकता है नाइस ही बने। ये तो एक किस्म का एक्सपेरिमेंट ही है। और ब्यूटीफुल है ना, नाइस कलर। And it's cooked. देखो जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यम्मी स्पंजी केक। नाइस ऑरेंज केक। एंड जो घर में बनाया होता है ना गरम गरम केक, उसका अपना ही मजा है। विदाउट एनी मेजरमेंट कुछ भी नहीं, मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कितना मक्खन है कितनी चीनी है, बस मैंने बना लिया आपके सामने। और इतना मजेदार बना ना, देखें बिल्कुल नाइस बना है ना। यम्मी, लव इट। एंड आई कैन एक्चुअली टेस्ट ऑरेंज। फिश रेडी है, केक रेडी है, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। और अभी मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। तो मैं होप करती हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो लाइक की होगी आज का ब्लॉग। और मैं आपको फिश भी टेस्ट करके बता दूँ, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, मज़ेदार। Nice. इसकी जो डब्बे वाली रेसिपी है वही वाली मैंने बस कॉपी की थी, उसको मैंने फॉलो किया है। और केक आपके सामने ही बना है। अभी मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। तो हम आपको अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड सी यू अगेन सून, एंड स्टे सेफ गाइस।